और नया रेस्टोरेंट का नाम है महफिल रेस्टोरेंट। चले आइए देखते हैं कि क्या कुछ है इनकी महफिल में। मोस्टली हमको पसंद होता है कि हम ओपन एयर रेस्टोरेंट्स में बैठें, जहां पर हम एंजॉय कर सकें सर्दी को, क्योंकि सर्दी तो आजकल लाहौर में बहुत कम आ रही है। अच्छा, तो इंडोर में इनके पास क्या कुछ है? कॉन्सेप्ट लाहौर में आजकल बड़ा नया स्टार्ट हुआ है और मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई की है तंदूरी चाय, और आज हम इनकी ट्राई करेंगे कैसी है इनकी तंदूरी चाय। मेन्यू ऑर्डर करने से पहले सबसे पहले मैंने विजिट करना है पूरा का पूरा रेस्टोरेंट, क्योंकि जब हम विजिट करेंगे तभी आप विजिट करेंगे, क्योंकि आप मेरी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं। वाले रेस्टोरेंट जो हैं वो उसे इंजॉय करूँ, क्योंकि आप बाहर बैठ सकते हैं, लाहौर की ठंड जो कि बहुत कम रह गई है उसे इंजॉय कर सकते हैं, और नए रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करने का मज़ा ही बहुत अलग होता है, क्योंकि वो नए होते हैं, उनके बारे में रिव्यू करना, उनकी वीडियोस बनाना। तो आज हम इसके खाने का रिव्यू स्टार्ट करेंगे। थोड़ी बात कर लेते हैं कुछ मेन्यू के ऊपर। मेन्यू जो है मुझे इकोनॉमिकल लग रहा है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट्स एम्बियंस भी अच्छी है, जगह भी अच्छी है, ओपन एयर है जो कि सर्दियों में बहुत अच्छा है। और अगर मैं आपको एक दो चीज़ों की प्राइस बताती हूँ, जैसे मिनरल वाटर है, स्मॉल मिनरल वाटर है 45 रुपीज़ का है, चिकन बिरयानी है हाफ 120 की और फुल 220 की, और चिकन कढ़ाई जो है वो फुल 800 की है। तो एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट्स मुझे इसका प्राइस जो है वो इकोनॉमिकल लगा है। चलती गई तो मैंने देखा कि ओपन किचन है, और ओपन किचन तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, क्योंकि अगर हमारी आउटडोर सेटिंग है और ओपन किचन है तो हम उसकी खुशबू, मेरी कढ़ाई बन रही है, मेरा क्या खाना बन रहा है बताएं? हरा भरा मसाला, और जो मेरा हरा भरा मसाला बन रहा है मैं वहाँ से चलती हुई यहाँ तक आई हूँ उसकी खुशबू सूखते हुए। अच्छा, और अब आप क्या कर रहे हैं? बारबेक्यू की तैयारी कर रहे हैं? यस मैम। और मेरा खाना उधर बन रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। शुक्रिया। और अब मैं मौजूद हूँ ओपन तंदूर में, और
जाने से मैंने पहली बार तंदूर देखा इतने करीब से। जब मैं छोटी होती थी तो मैं अपनी फैमिली के साथ जाया करती थी कभी तंदूर पे रोटियां लेने, लेकिन इस रेस्टोरेंट में तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि सब कुछ ओपन है, ओपन सिटिंग, ओपन किचन और तंदूर भी। इसी तंदूर में चाय भी बनती है, तंदूरी चाय। अच्छा, इसमें तड़का लगता है। तो कितनी देर पहले तक इसे हमें इस तरह से जलाना पड़ता है इसके अंदर? दो चार मिनट। और रोटी के लिए कितनी देर पहले तंदूर को गर्म करना पड़ता है? 10-15 मिनट। अब ये चलता रहेगा रात को 12 बजे तक? इनकी टाइमिंग है 4 से रात को 12 बजे तक, और अब ये तंदूर जो है रात को 12 बजे तक चलता रहेगा। सर्दियों में तो बहुत अच्छा है, आप आराम से हाथ सेक सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं और हाथ भी सेक सकते हैं। फाइनली मेरा हरा भरा चिकन आ चुका है। इसके साथ मैंने ऑर्डर किया मिंट रायता और कचूमर सैलड जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है। अब मैं ट्राई करती हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आई हूँ और इसका रिव्यू तो बनता ही है। बहुत मज़ेदार, जितना स्पाइस लेवल मुझे चाहिए था मैंने उन्हें बताया और उतना ही स्पाइसी है, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम, नमक मिर्च बराबर है। मैंने उन्हें बोला था कि मैं लाल मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं करती तो हरी मिर्च से इसे स्पाइसी करिएगा, तो एग्जैक्टली वैसा ही है जिस तरह का टेस्ट मैं चाह रही थी। बहुत मज़ेदार लग रहा है। सर्विंग क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, हाफ के जी मैंने ऑर्डर किया है, एनफ फॉर 2-3 पर्सन, और क्वान्टिटी अच्छी है, सर्विंग स्टाइल अच्छा है, क्रॉकरी अच्छी है और मुझे मज़ा आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर आएँ, ट्राई करें और अब मैं इंजॉय करने लगी हूँ खाना। देसी खाने की जो अच्छी बात होती है उसकी ग्रेवी होती है। अगर आपका मसाला ग्रेवी अच्छी है और पक्की भी है, क्योंकि मुझे एलर्जी है हाफ कुक्ड खाने से, जो फ्रोज़न होता है और आधा कच्चा आधा पक्का होता है उससे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये मैंने खा के मतलब खा रही हूँ, महसूस कर रही हूँ ये अच्छे से पका हुआ है, ग्रेवी बहुत अच्छी है, मसाले बहुत अच्छे हैं, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड। और मुझे बहुत मज़ा आया, सनसेट इन्जॉय किया मैंने, शाम हो रही है, सर्दी मज़ीद बढ़ रही है और अब ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि इस शाम में बॉन फायर के साथ मैं पीऊँगी अपनी तंदूरी चाय। सर्दियों में कितना मज़ा आ रहा है ना मुझे वॉक करने में, खाना खाया उसके बाद वॉक करूँ उसके बाद चाय पीऊँगी। स्पेशल तंदूरी चाय की रेसिपी और किस तरह से बन रही है बताइए। बेसिकली तरीका ये है कि जो मिट्टी का बर्तन है उसका इसको उबाला दिया जाता है, जो कि अभी आपके सामने ये देंगे जैसा जैसा दिखाया जा रहा है किस तरह से चाय बनाने के बाद उसको ये जो मिट्टी का एक बर्तन है जो कि उसको उबाल रहा है। अच्छा, क्योंकि इसके पेस्ट के अंदर एड ऑन कर रहा है
दैट्स कॉल्ड बसंती तंदूरी चाय। ये कहाँ से आई है? ये एकदम ही बड़ी इन हुई है। ये अरब कंट्री से ड्राइव की गई है जी, आजकल लाहौर में बहुत ज्यादा इन है, बहुत ज्यादा इन है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड तंदूरी चाय विद द तड़का ऑफ बर्तन। अच्छा, जबरदस्त। फाइनली मेरी तंदूरी चाय आ चुकी है और बॉन फायर के साथ मैं इंजॉय कर रही हूँ। सर्दी है लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। लेट मी ट्राई। तो बहुत अलग है, इसका टेस्ट बहुत अलग है। प्राइस इसकी बहुत कम है, लाइक 100 रुपीज़, जस्ट 100 रुपीज़। और इसके अंदर मुझे टेस्ट आ रहा है सौंफ का, सौंफ, इलायची और भी कुछ है, लेकिन बाकी जो तंदूरी चाय से बहुत डिफरेंट है और बहुत ही मज़ेदार है और प्राइस भी बहुत लो है, 100 रुपीज़। आप प्लीज़ आएँ और मैं हाईली रिकमेंडेड है ये भी। लकीली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस खूबसूरत से रेस्टोरेंट के ऑनर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मिस्टर अवैस? सबसे पहले बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले बताइए था इतने खूबसूरत रेस्टोरेंट का आइडिया किस तरह से आया? सर्च किया थोड़ा सा, आइडिया था तो उसके बाद। लेकिन ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, आपने हट्स बनाए हैं, ओपन एयर, बारबेक्यू और सब कुछ बहुत अच्छा है। ट्रेंड आजकल ओपन एयर का ज़्यादा है। हाँ जी, लोग ओपन एयर का ज़्यादा। तो ये सिर्फ सर्दियों के लिए या गर्मियों में भी लोग प्रेफर करते हैं? गर्मियों में भी प्रेफर करते हैं, रात में आप जितना मिस फैन वगैरह यूज़ कर लें। हाँ जी। वीकडेज में बताइएगा लोग किस तरह से आते हैं और वीकेंड्स में कितना रश होता है? वीकेंड पे तो बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, इवन लास्ट वीकेंड पे तो प्लेस नहीं थी हमारे पास। अच्छा, वीकडेज में तो कंपैरेटिवली कम है। अच्छा, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ग्रोथ करेगा। डिपेंडिंग कितना टाइम हो चुका है और क्या कहना चाहेंगे, आपकी डिशेज कौन सी कॉमन है, मेरे व्यूअर्स को आप क्या रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पर आएँ तो क्यों आएँ, क्या वजह है कि आप उन्हें बोलेंगे कि यहाँ पर विजिट ज़रूर करें? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 1 मंथ हुआ है तकरीबन, और इसकी स्पेशलिटी जो है हमारी बारबेक्यू और देसी खाने की ज़्यादा है, इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। तो विजिट करने की मेन वजह तो इसका एटमोसफेयर है जो कि आपके सामने है, इसके अलावा जो हमारी स्पेशलिटीज़ हैं, स्पाइसेज हैं, तो एक बार ट्राई करा उसके बाद उसको कहना नहीं पड़ता। बिल्कुल, मैंने भी ट्राई किया है हरा भरा चिकन की आपकी रिकमेंडेशन, वो बहुत ही मज़ेदार था, स्पाइस लेवल बहुत अच्छा था। अच्छा, और बताएं कि क्या आप मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को? मैसेज दिया कि कंपैरेटिवली जो रेट्स हैं हमारे वो मार्केट से कम है। बिल्कुल एग्जैक्टली, बात मैं पहले कर चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा कम है और क्वान्टिटी भी, आपकी फूड क्वान्टिटी बहुत अच्छी है। क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, यही मेन चीज़ होनी चाहिए कि क्वालिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। मुझे ये सारा माहौल हमेशा से ही बहुत अपीलिंग लगता है और इसके लिए मुझे ऐसे मेरे ज़हन में इमेज बना हुआ था कि हम नॉर्दर्न एरियाज जाएंगे, वहाँ पे बॉन फायर होगा, और आज मतलब यहाँ पर आके इस तरह से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लिव लाइक मानिया के एपिसोड देखने के लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा और साथ रहने के लिए आपको मैंने बताया कि आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है मेरा अच्छा सा चैनल लिव लाइक मारिया। बाय बाय।